बड़ी और अहम खबर रोहचाना को लेकर फिर बोले चौधरी वीरेंद्र सिंह। जी हां, चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान, दुष्यंत चौटाला और हुड्डा पर बोला हमला। यह हमला बोला है दुष्यंत चौटाला, उचाना से नहीं लड़ेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान, दुष्यंत लोगों को बहकाने का काम करता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दुष्यंत उचाना के साथ धोखा किया है, ये बड़ा बयान। उचाना के लोगों को भूत सवार हो जाता है, तो पिछली बार दुष्यंत का भूत सवार हुआ, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। अब हुड्डा का भूत सवार हो रहा है, तो ये बयान के कई सियासी माने निकाले जा रहे हैं। हुड्डा ने भी उचाना को दरकिनार किया है, तो कांग्रेस राज में उचाना में कोई काम नहीं हुआ है। उचाना को लेकर फिर बोले चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह का यह बयान अब कई मायनों में अहम। दुष्यंत चौटाला और हुड्डा को लेकर निशाना साधा है, दुष्यंत लोगों को बहकाने का काम करता है, इस बात का जिक्र किया। दुष्यंत ने उचाना के साथ धोखा किया, चौधरी वीरेंद्र सिंह का यह बयान, उचाना के लोगों को भूत सवार हो जाता है। पहले दुष्यंत और अब हुड्डा का यह बयान दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का यह बड़ा बयान, कांग्रेस राज में उचाना में कोई काम नहीं हुआ है। दुष्यंत चौटाला और हुड्डा पर निशाना साधा एक साथ। उचाना को लेकर फिर बोले चौधरी वीरेंद्र सिंह कि दुष्यंत चौटाला और हुड्डा पर उन्होंने इस बार हमला बोला, यानी उनके निशाने पर इस बार दुष्यंत चौटाला नहीं बल्कि हुड्डा भी रहे। और दुष्यंत चौटाला लोगों को बहकाने का काम करता है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। दुष्यंत ने उचाना के साथ धोखा, और सिर्फ धोखा किया है, उचाना के लोगों को भूत सवार हो जाता है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। पिछली बार दुष्यंत का भूत सवार हुआ और अब हुड्डा का भूत सवार हो रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान, हुड्डा ने भी उचाना को दरकिनार किया है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ किशन ढुल जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। किशन ढुल जी, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये बयान, क्योंकि अब तक उनके जो निशाने हैं या उनके जो बयान है उनमें दुष्यंत चौटाला ही रहा करते थे, लेकिन अब हुड्डा का जिक्र भी वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उचाना की जनता को, चाहे कांग्रेस हो या दुष्यंत चौटाला हो, उन दोनों ने ठगने का काम किया है, कोई उचाना की जनता का सगा नहीं इन दोनों में से ही, क्या इसके मायने निकाले जाए? देखिए, इसमें मुझे वीरेंद्र सिंह जी ने क्या कहा और वीरेंद्र जी का उचाना के प्रति, उचाना के लोगों के प्रति क्या जवाबदेही है, ये तो उचाना के लोग और उचाना की जनता ज्यादा जानती है। जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ना तो किसी एक ऐसी विधानसभा जिसमें हमारा एमएलए विधायक नहीं जीता उसके प्रति हमने कभी भी इसी प्रकार की कोई पुराना बैर भाव या भेद भाव या ये, लेकिन दावेदारी तो ठोकी जा रही है उचाना सीट के लिए सर, इसीलिए सवाल पूछा है मैंने। नहीं, दावेदारी कौन ठोक रहा है, वीरेंद्र सिंह डूमर खां वो ठोकते रहे, उसके अलावा अगर ठोक रहे हैं दावेदारी उचाना से खुद के दुष्यंत विधायक, जो आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है वो विधायक है, वो ठोकते रहे। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार प्रेमलता को चुनाव की टिकट दी थी, दुष्यंत चौटाला से हार गई थी। जी, इस बार के राजनीतिक परिदृश्य में जिस प्रकार से चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां लगातार सरकार के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जाकर के बात कर रहे हैं, तो उनकी मंतव्य, उनकी मंशा क्या है, ये तो वही बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का उनके बयानों। लेकिन जेजेपी के साथ आप लोगों का गठबंधन भी है, इस बीच आपके प्रदेश प्रभारी ये कहते हैं कि प्रेमलता जी को ही हम अपना प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर बनाएंगे, उनकी प्रबल दावेदारी है, उस बीच कई बयान आते हैं, तो बयानों का सिलसिला भी तो आपके प्रदेश प्रभारी द्वारा ही शुरुआत हुई थी सर। देखिए, फिर मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो इलेक्शन का दुष्यंत चौटाला के साथ जो समझौता हुआ वो चुनाव के बाद का समझौता है, यानी 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, 90 सीटों पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी चुनाव लड़ी, उसके बाद जो समझौता हुआ वो सरकार चलाने के लिए है, पार्टी चलाने के लिए समझौता नहीं है। और पार्टी के तत्कालीन हमारे जो प्रभारी विप्लव देव जी है, उन्होंने उचाना की एक जनसभा में ये कहा था कि अगली बार हम बहन प्रेमलता को विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं। जी, तो वो भी बात पुरानी 6 महीने है और अभी चुनाव में 1 साल और बचा हुआ है। एक साल के परिदृश्य में क्या वातावरण बनेगा, क्या हालात बनेंगे, कौन कैंडिडेट वहाँ सूट करता है, किस हालात में चुनाव होंगे, समझौता रहेगा नहीं रहेगा,
ये बहुत सारी बातें भविष्य के गर्भ में है, इस पर आज टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कोई एक उचित बात होगी। और मुझे इस बात पे बिल्कुल भी कोई दोराय नहीं है कि वीरेंद्र सिंह धूमरखा का ये जो बयान है ये आधिकारिक तौर से भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई ताल्लुकात नहीं रखती है, और ये उनका खुद का व्यक्तिगत और जो उनकी पारिवारिक रंजिश है उसको भी अगर मैं ये देखूं और जानूं तो ये तय होगा कि वीरेंद्र सिंह धूमरखा का परिवार और चौटालार का परिवार उजाना कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार लड़ते रहे हैं। उनके अपने आंकड़े बोलते हैं, कभी कहते हैं हम जीते हुए ज्यादा है, कभी वो जीते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और वीरेंद्र सिंह धूमरखा भी एक नई राज अलाप रहे हैं पिछले काफी दिनों से कि मैं 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रैली करूंगा और उसमें ये निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ रहना है। तो इसका मतलब अभिप्राय वो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि वो किसी रूप में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका मोह अब खत्म हो रहा है। और वीरेंद्र सिंह धूमरखा का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाईचारा है, आपस में वो मामा भूपी के भाई हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता कि वो वहां जाना चाहते तो चले गए, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता, पहले वही थे वो, वहां से क्यों आए थे। इसका मतलब उनका खटास, उनका मान मुटाव, उनका बैर भाव, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वहां पूरी नहीं हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक जाट नेता होने के कारण और छोटूराम जी का वंशज होने के कारण एक प्रोमिनेंट हरियाणा का जाट और पूरे उत्तर भारत में पूरे हिंदुस्तान में जो जाटों के लिए चौधरी छोटूराम जी ने काम किया है उन्हीं के लिए हमने उनको एक ही परिवार से ना सिर्फ केंद्र में मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को हमने एमएलए बनाया, बिल्कुल आज उनके बेटे लोकसभा से सांसद है, और उसके बावजूद भी अगर उनकी महत्वाकांक्षाएं उनसे ज्यादा हैवी है तो मैं ये नहीं मानता कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं ज्यादा बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करती। ठीक, बिल्कुल कृष्णुल जी आऊंगी आपके पास, जेजेपी की तरफ से हमारे साथ दीप कमल सारण जी भी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका, और वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आप दोनों का स्वागत है। दीप कमल सारण जी, क्योंकि आप ये बयान जो है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह कई बार इस तरीके की विवादित बयान यहाँ पर देते आए हैं, कई बयानों का मायने जो है वो अलग अलग निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब ये बयान यहाँ पर कि यहाँ पर दुष्यंत चौटाला और हुड्डा पर अब उन्होंने निशाना साधा है ये कहकर कि उचाना का सगा तो इन दोनों में से कोई भी नहीं रहा है। देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, दुष्यंत चौटाला के बारे में तो पिछले 6 महीने से लगातार बोल रहे हैं, उसमें तो कुछ नया है नहीं। बार बार वो कहते हैं कि विकास नहीं करवाए या चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो उनकी अपनी जो आंकलन है, अपनी जो सटपटाहट है, उसमें कोई आधार नहीं है। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में एक तरफ कह रहे हैं कि उनका नाम चल रहा है, उनका माहौल बन रहा है, और फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। बिल्कुल। प्रेमलता ने भी पिछले दिनों कहा कि जब हम कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस की सरकार थी तब उचाना में कोई काम नहीं हुए, वो कह रही थी कि अब कांग्रेस जाने के बाद यहाँ काम हुए हैं। तीसरी बात, आज ही मैं आज के अखबार में पढ़ रहा हूँ कि वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में जाऊंगा, साथ में वो ये कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को जो मैं रैली करूंगा उचाना में, जो कार्यक्रम करूंगा उसमें किसी पार्टी का बैनर नहीं होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का बैनर नहीं होगा, उसके बिना वो अपना कार्यक्रम करेंगे। तो इनकी दिशाहीनता देखिए कि इनेलो की रैली में जाएंगे, हुड्डा की तारीफ करेंगे, बीजेपी का बैनर नहीं लगाएंगे और निशाना साधेंगे सिर्फ दुष्यंत चौटाला पर। आप पिछले 6 महीने में चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो बयानों का पैटर्न है अगर आप उसको नोट करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये 90-95% तो दुष्यंत के बारे में बोलकर ही खबरों में आ पाते हैं। बिल्कुल, कोई पॉजिटिव बात किसी के लिए कभी नहीं करते, हमेशा एक ट्रबल मेकर अपनी पार्टी के लिए और अपने वर्कर्स के लिए रहते हैं, वर्कर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इधर जाना है क्यों जी, जाना जी, है। जी, जी, जी। जो मुझे लगता है कि अगला चुनाव वीरेंद्र सिंह या उनके परिवार के लोग उचाना से या तो इनेलो के टिकट पर लड़ेंगे या कांग्रेस की टिकट पर या फिर निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो पार्टी का अपना फैसला है, लेकिन 50,000 वोटों से हारने वाले परिवार को या उम्मीदवार को टिकट किसी पार्टी को अगले चुनाव में देनी भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए उस बारे में। मैं ये मानता हूँ कि वीरेंद्र सिंह जो है वो एक ट्रैप में है, एक कहीं ना कहीं अपने आप को खुद को एक भंवर में डाले हुए हैं, जैसे कृष्ण धूल जी कह रहे थे कि वो अपने अपने कहीं ना कहीं उनका जो कद था, जो चौधरी छोटू राम के नाती होने के नाते उस वजह से उनका जो राजनीति में कद था और उस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार को महत्व दिया। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ, 2019 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में ब्रजेंद्र सिंह सांसद थे, वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री थे, प्रेम लता हरियाणा में विधायक थी,
छह महीने परिवार के तीनों लोग अच्छे अच्छी कुर्सी पर बैठे हुए थे। राजनीति में तीन ही लोग हैं परिवार के, तीनों को अच्छे पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया और छह महीने में इतना घमंड आ गया कि 50,000 वोटों से उचाना से हार गए और उसके बाद से लाइन लेंथ बिगड़ गई। तो ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उनको फिलहाल झेल रही है और ये लोकसभा चुनाव तक ही चलेगा। नहीं, उनके बयान से तो पार्टी बोल रही है, वो उनका अपना बयान हो सकता है। ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। वेद प्रकाश विरदोही जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कांग्रेस का मत लेना भी जरूरी है क्योंकि इस बार दुष्यंत चौटाला ही नहीं निशाने पर, हुड्डा भी उनके निशाने पर आए हैं और ये तक कह गए कि उचाना के लोगों में अब हुड्डा का भूत सवार है। किस तरीके से वेद प्रकाश विरदोही जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, सर आप इसको देखते हैं? अंजलि जी, वीरेंद्र सिंह जी के बयान से एक बात तो साफ है कि भाजपा जेजेपी सरकार का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और वीरेंद्र सिंह जैसे अनुभवी नेता को साफ दिख रहा है कि भविष्य में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है जी। दूसरी बात, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम वीरेंद्र सिंह के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है और जब भी कोई कांग्रेस का नेता कोई बात उठाता है, कांग्रेस में कोई बयान देता है, तब ये कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। पहले तो ये तय कर लें कि वीरेंद्र सिंह भाजपा के नेता हैं या नहीं, वीरेंद्र सिंह का बेटा भाजपा का सांसद है या नहीं, और वीरेंद्र सिंह का बयान तो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है और यदि कोई कांग्रेस का नेता बोलता है तो वो गुटबाजी कैसे हो सकती है। कटु सत्य है कि कांग्रेस से कहीं ज्यादा गुटबाजी बीजेपी में है और सत्ता की चाशनी में वो दिख नहीं रही और बीजेपी जेजेपी गठबंधन में भारी दरार है, ये वीरेंद्र सिंह के बयानों से बार बार सामने आ रहा है। और वीरेंद्र सिंह किस पार्टी में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, पर जो उनका ये कहना कि कांग्रेस के रहते उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, ये न केवल असत्य है न और अनैतिकता भी है। वो एमएलए किसके बल पर रहे, कांग्रेस के बल पर जी। वो लोकसभा के सांसद किसके बल पर रहे, कांग्रेस के बल पर, भाजपा से नहीं रहे हैं वो कभी एमएलए, एमएलए वो रहे हैं कांग्रेस के और मंत्री और कांग्रेस सरकार में वो मंत्री रहे हैं और जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की वो आलोचना कर रहे हैं, उस सरकार के पहले कार्यकाल में वो वित्त मंत्री थे और कोई वित्त मंत्री रहते हुए, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाया तो इसके लिए हुड्डा जिम्मेदार है या वह संघ जिम्मेदार है? ठीक सर, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं क्योंकि दीप कमल सारंग जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर। अंजलि जी, जी जी अंजलि जी सुनिए सुनिए, आपने भाजपा और जसपा नेताओं को फ्री टाइम दिया, मैं बीच में नहीं बोला, 25 मिनट से सुनता रहा, मेरी बात भी पूरी सुनिए, पूरी बात सुनिए मेरी भी, उतना टाइम मुझे भी दीजिए। आप ही सवाल का जवाब ले रही थी, ठीक है, आप अपनी बात बोलिए, मेरी बात तो पूरी होने दे, पर जवाब ले लेना आप। जी जी बोलिए। मेरा यह कहना है कि जब वो हार गए, मंत्री नहीं बने, तो जो व्यक्ति सरकार में मंत्री रहा हो, हर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहा हो और कांग्रेस का लगातार विधायक रहा हो, अगर वो व्यक्ति कहता है कि कांग्रेस राज में विकास नहीं हुआ तो कांग्रेस में क्या लड्डू खा रहे थे, उनको खुद को अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि वो कांग्रेस में किस लिए रहे अगर उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। चलिए, बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर उन्होंने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण ढोल जी आपका, दीप कमल सारण जी आपका, वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका, इस तमाम चर्चा के लिए।